जनरेटर कार या जनरेटर कार स्टार्ट हुआ है, तो काला धुआं है। ये सारी गाड़ी को इलेक्ट्रिक सप्लाई करेगा, बिजली सप्लाई करेगा। इसके दो, एक आगे और एक पीछे एंड ऑफ जनरेटर कार लगेगा। ये जनरेटर कार पूरी के लिए स्टार्ट हुआ। हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज हम 14709 जो पहले नंबर थे, अब जिसके नंबर हो गए 20471, बीकानेर से पूरी एक्सप्रेस की बात करेंगे। बीकानेर से पूरी एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और सप्ताह में केवल एक दिन चलती है, बीकानेर से संडे को। 20472 बीकानेर पूरी एक्सप्रेस बीकानेर से 5/6/22 से और 8/6/22 तक, इसमें थर्ड एसी के एक डब्बे की स्थायी बढ़ोतरी गई है। स्थायी कर दी गई और बीकानेर से 5/6/22 से 26/6/22 तक, पूरी से दिनांक 8/6/22 से 29/6/22 तक एक सेकंड शयन की अस्थायी बढ़ोतरी इसमें अभी करेंगे। लेटेस्ट खबर है, इस ट्रेन का इनॉग्रल इशू हुआ था 28 अप्रैल 2013 को। इसमें पैट्री कार नहीं है, ऑन बॉडी कैटरिंग है। लोगों की अगर बात करें तो बीकानेर से सवाई माधोपुर तक, क्योंकि डीजल सेक्शन है भी यहाँ बीकानेर में, इसलिए BGKT भगत की कोठी का WDP 4D या WDP 4 भी चलता है। आज इसमें ऑफ लिंक जा रहा है साबरमती का, WDP 4 साबरमती का। सवाई माधोपुर से कोटा तक इसके अंदर तुगलकाबाद का WFP 7 इंजन इसको कोटा तक लेके जाता है। कोटा से पुरी तक फिर इसमें विशाखापट्टनम का WFP 7 इंजन इसको लेके जाता है। गाड़ी कुल तीन जगह रिवर्स करती है, एक तो संबलपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर और कोटा जंक्शन के अंदर। कुल इसमें 22 डब्बे हैं और LHV की कोचेज है। ट्रेन शानदार ट्रेन है और बीकानेर से पूरी यानी कि राजस्थान से उड़ीसा को मिलाने वाली एकमात्र यही ट्रेन है। तो अपने कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करना, कैसा लगा ये ज़रूर बताना। इस ट्रेन के कुल 28 स्टॉप हैं। कुल डिस्टेंस 2093 किलोमीटर का है, 40 से 50 के बीच की एवरेज आती है इसकी। इसमें दो AC 2 टायर, AC 3 टायर और Sleeper 3 टायर इसमें अनरिजर्व चलते हैं। रोलिंग स्टॉक इसके दो हैं, टू एंड जो आने जाने वाले दोनों एक ही गाड़ी इसकी वीकली है, इसलिए चलती रहती है। रूट की बात करें तो बीकानेर से चल के ये नागौर, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा जंक्शन, फिर गुना के बाद ये कटनी मुरवाड़ा, अनूपपुर जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन, झारसुगुड़ा, संबलपुर जंक्शन, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड जंक्शन और पुरी आती है।